गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अल्कीन का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिएक्शन है वो है रीअरेंजमेंट बाय वन टू अल्काइल शिफ्ट। पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ी थी हाइड्राइड शिफ्ट पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे कि वन टू अल्काइल शिफ्ट क्या होती है। तो वन टू अल्काइल शिफ्ट में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे CH3, फिर इधर CH OH एंड इसमें CH3। अगर इसका मैं नाम बताना चाहूँ तो ये है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 एंड 3, इट इज द 3-3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ol, it is the 3-3 dimethyl butane and 2-ol, yes sir, this is the 1-2-3, इधर से कंप्लीट करेंगे हम 3-3 dimethyl butane एंड 2 के ऊपर अल्कोहल ग्रुप ऊपर गया था, हम इसे बोलते हैं। अब इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ पढ़नी है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो उसे हम डीहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं, H2SO4। तो ये हमारे पास डाइमिथाइल। देखिए पेपर में ये चीज अक्सर आ जाती है कि कंप्लीटली फॉलो द रिएक्शन, और वहां पे आपको कंप्लीट करके दिखानी है विद मैकेनिज्म, तो उसके लिए जो मैकेनिज्म है वो हमें पता होना चाहिए। दैट यहाँ पे एरो के ऊपर हमने क्या डाला है, रेजेंट विच इज सल्फ्यूरिक एसिड विच इज हाईली रिएक्टिव। हम इसका मैकेनिज्म सारा स्टडी करेंगे, जो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा इस तरह से हम घूमे यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म स्टडी करना है, तो पहले हम देखेंगे ये सल्फ्यूरिक एसिड है that will turn into the H positive and HSO4 negative. This sulfuric acid break down करते हैं। ये this is the first step. दूसरा है कि this is the CH3, here is the CH3, this is the CH3 and यहाँ पे CH, here is OH, यहाँ पे CH3 और इसके बीच में हमने क्या ऐड कर दिया, एच पॉजिटिव। वो एच पॉजिटिव कहां से आया, सल्फ्यूरिक एसिड से, और अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड से आया तो यहां पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस एच पॉजिटिव को डोनेट करेगी, अगर ये डोनेट करेगी तो यहां पे क्या बन जाएगा, CH3, हियर इज द CH3, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे है CH, हियर इज O, यहाँ पे CH3, O के साथ 2H लग गया, एक H इधर है और एक H इधर है, इट इज विजिबल फ्रॉम हियर, दिस इज दी यस। तो यहाँ पे देखें ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर एच पॉजिटिव को डोनेट कर दिए, तो फिर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये नो दैट बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस ऑक्सीजन डू नॉट कैरी अ पॉजिटिव, एंड ये ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से विरजा कर लेगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अगर इस तरह विरजा करेगी तो फिर ऑक्सीजन का पॉजिटिव तो फिनिश हो गया, लेकिन कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। दिस इज CH3, दिस इज CH3, यहां पे CH3 एंड हियर CH और यहां पे CH3 एंड इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, और साथ में यहां पे वाटर जो है वो लॉस हो गया। अब हमारे पास यहां पे हमने इसको स्टडी करना है, इसको जब हम स्टडी करेंगे तो हमने देखा कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कार्बोकेटायन कहते हैं, और जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कितनी कार्बन एटम के साथ जुड़ी है, 2 के साथ, 1 इधर है 1 ही इधर है,
दैट मीन से ये कौन सी कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इसलिए हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे कि ये क्या चीज है, इट इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, अब इसका ये वाला जो एच है, ये अगर इस एच को ये वाला मिथाइल है, अगर ये मिथाइल की शिफ्ट यहाँ पे करा दीजिए पूरे मिथाइल की, कि ये मिथाइल ग्रुप अपने ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन साथ लेके इसके ऊपर चला जाए, तो देयरफॉर ये CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो सी हियर दैट के CH3 यहाँ पे CH3 एंड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे CH, ये CH3 और ये भी CH3। तो यू नो दैट जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर, अब ये कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ी है, 3, 1, 2, 3, एंड दैट इज कॉल्ड हियर टर्शियरी कार्बोकेटाइन। इसको हम क्या कहते हैं, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। यू नो दैट सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए यहां से ये जो मिथाइल शिफ्ट हुई है इसको हम क्या कहते हैं, ये बात 1-2 अल्काइल शिफ्ट, हमने यहाँ पे अल्काइल की शिफ्ट की है, दैट्स व्हाई टॉपिक का नाम क्या है, 1-2 अल्काइल शिफ्ट। अब जब ये बन जाएगा तो अब हम क्या कहेंगे कि ये जो चीज बन चुकी है इसको क्या मैं इस तरह से नहीं लिख सकता कि CH3 यहाँ पे CH3 यहाँ पे C, ये CH3, ये भी CH3 और ये इसका एच एस है, ये पूरे को इस तरह से लिख दिया मैंने कि यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है ही है, यहाँ पे C के साथ दो मिथाइल लगे हैं, ये देखो दो मिथाइल यहाँ पे बने, ये एच जो था वो मैंने नीचे लिख दिया, नथिंग चेंज। अब हमने क्या करना है, इसका पॉजिटिव फिनिश करने के लिए ये जो है वो यहाँ पे शिफ्ट है, तो देयरफॉर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो ये है CH3, हियर इज द CH3 डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3 एंड माइनस एच पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव, एंड दिस इज ये वाली रिएक्शन जो है ये हमें प्रोडक्ट देगी, दैट टू से कि जो हमने यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन लिखा था उसकी जगह ये प्रोडक्ट बनेगा, बाय दिस वे, बाय दिस मैकेनिज्म वी विल गेट दिस वन। सो दिस इज कॉल्ड एज 1-2 अल्काइल शिफ्ट। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, तो वो देखें, दैट इज दी Hoffman elimination reaction is there. What is the Hoffman elimination? In the Hoffman elimination reaction, का नाम क्या है? It is the Hoffman elimination. Hoffman elimination reaction. ये क्या होता है? In this, we have here R, यहाँ पे CH2, here is N. CH3 and this nitrogen carrying charge positive. So this is called here quaternary ammonium, जो है ये quaternary ammonium, इसको हम कहते हैं hydroxide. So अगर ये this is called quaternary ammonium hydroxide. अब इसकी जो Hoffman elimination है वो हम किस तरह से इसको स्टडी करेंगे, अगर ये
के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी। अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करती है ये, तो फिर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। या फिर देखिए आर सी एच टू इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। बाकी क्या बन गया? CH3 कितने CH3 हैं यहाँ पे? 3 3 is here और उसके साथ साथ में क्या लगा है? N। ये CH3 कितने हैं? 3 एंड साथ में क्या है? सो अब बात आई कि ये वाला जो CH2 बना है यहाँ पे, तो अब इसको हमने किस तरह से लिख सकते हैं? हम अगर ये एक H जो है यहाँ, अगर उसमें H को इस तरह से लिख दूं तो इट्स ओके, देयर इज नथिंग चेंज। मैंने CH2 को इस तरह से लिख लिया। अब ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट कर जाए तो देयरफॉर वी विल गेट RCH डबल बॉन्ड CH2 एंड विद लॉस ऑफ व्हाट हियर? H पॉजिटिव। वो H पॉजिटिव दिस OH के साथ कंबाइन कर जाएगा और क्या बनाएगा? वाटर। सो देयरफॉर this OH negative ion and H positive ion and combine to form water, and this reaction is called here Hoffman elimination reaction. This what is here? Hoffman elimination reaction is here. Next is the physical properties of अल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? जो अल्कीन के फर्स्ट फोर मेंबर हैं, लाइक दिस इज ईथीन, देन प्रोपीन, देन ब्यूटीन, सो ऑल दीज, ये जो है ऑल दीज, दीज आर द गैसेस, ये जो है ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, यूजली दे आर गैसेस। उसके नेक्स्ट वाले जो है मेंबर है जो पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन एंड सो ऑन अप टू द फाइव मेंबर जितने भी हैं वो 12 तक, वो सारे के सारे ये क्या है? गैसेस। और इसकी हायर मेंबर जो है वो क्या होते हैं? लिक्विड एंड इन द मोर देन दैट ऑफ 20 कार्बन एटम से अगर ऊपर सॉल्ट आ जाएंगे तो दे आर द सॉलिड। सो देयरफॉर दिस लोअर मेंबर ऑफ अल्कीन्स आर द गैसेस, उसके जो नेक्स्ट मेंबर है वो कुछ है लिक्विड एंड द हायर मेंबर जो है दे आर द सॉलिड। सो दिस इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द अल्कीन। अब बात आ जाती है ये फिजिकल स्टेट है उसके अंदर एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, हम अल्कीन की डिस्कशन कर रहे हैं। अगर हम अल्कीन की डिस्कशन कर रहे हैं तो यू नो दैट अल्कीन में दो तरह के आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, वन ऑफ देम इज द सिस एंड दूसरा कौन सा होता है? ट्रांस। लेट्स सी, अगर मैं इस तरह से लिख देता हूं CH3, यहां पे CH3, दिस इज CH3, दिस इज H, इसे क्या हम कहते हैं? इट इज सिस ब्यूट 2E, दिस इज द सिस, 2 मिथाइल सेम साइड पे लगे हैं, देन इट इज सिस, कितने कार्बन है? 4, 1 2 3 4, इट इज अ ब्यूट। दूसरे कार्बन की कौन सा क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड, दिस इज द सिस ब्यूट 2E। दूसरा है CH3, यहां पे H, दिस इज CH3 एंड यहां पे H, और इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांस ब्यूट 2E। ये अब हम इस टॉपिक में क्या पढ़ना चाहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट दोनों में से किसका ज्यादा है? अब ये जो सिस्टोबीन है और ये ट्रांस है,
तो ट्रांस जो है वो स्टेबल होती है, ट्रांस भी मीन जो है वो स्टेबल होती है और सिस जो है वो अनस्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों में धारा एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है। अगर ये अपोजिट आ जाते हैं तो इस मॉलिक्यूल की जो सिमेट्री है दे आर वेल पैक्ड, इसके मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्रिकल है एंड दे आर वेल पैक्ड। अगर कोई चीज स्ट्रॉन्गली पैक्ड है, वेल पैक्ड है, उस चीज को मेल्ट करवाना डिफिकल्ट है। तो यहां पे ये ट्रांस बिटवीन जो है दैट इज सिमेट्रिकल इन शेप एंड सिमेट्रिकल इन साइज एंड दैट्स व्हाई द मॉलिक्यूल ऑफ दिस ट्रांस टू बिटवीन आर द वेल पैक्ड। अगर कोई चीज वेल पैक्ड है तो उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट है। बट इन सिस बिटवीन देयरफॉर ये अनस्टेबल होता है मॉलिक्यूलर इरेगुलर पैकिंग है। अगर इरेगुलर पैकिंग है तो दे आर नॉट टाइटली फिट इन देयर क्रिस्टलेटस। अगर ये क्रिस्टलेटस में प्रॉपरली फिट नहीं है तो देयरफॉर इनको ब्रेक करना इजी है। सो देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सिस ब्यूटीन का लेस है देन दैट ऑफ द ट्रांस ब्यूटीन। तो जो ट्रांस का है, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट जो हाई है, सिस ब्यूटीन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। जैसे मैं इसी में डिस्कशन कर लू यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में, तो ट्रांस ब्यूटीन का डायपोल मोमेंट यहाँ पे ब्यू की वैल्यू कितनी है? जीरो। क्यों जीरो है? क्योंकि दोनों में धारा दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। अगर वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो देयरफॉर द टोटल नेट इफेक्ट जो है वो कितना होगा? जीरो। तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। बट यहां पे देखें ये वाला जो मेथड है और ये वाला मेथड है दे आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। सो देयरफॉर ये दो हाइड्रोजन जो है वो दोनों अपोजिट साइड पे आ रहे हैं। लेकिन अगर ये मिथाइल है तो इस तरफ हाइड्रोजन है, ये में कार्बन मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है। देयरफॉर इन दिस केस डार्क की वैल्यू जो है इट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। सो देयरफॉर सिस का डायपोल मोमेंट जो है एग्जिस्ट करता है, ट्रांस का डायपोल मोमेंट कितना होता है? जीरो। वन ऑफ द मोर एग्जांपल इज अगर हमारे पास CH3, CH2 एंड हियर इज HCH3 एंड यहां पे CH3। इन दैट केस अगर ये ट्रांस है, यहां पे मैं इसी केस में इसकी डिस्कशन में ऐसा कर रहा हूं, अगर सपोज ये हमने मिथाइल ले लिया तो मोमेंट जीरो था। अगर मैंने एक तरफ इथाइल ग्रुप ले लिया, ये बड़ा ग्रुप है ये छोटा है, तो देन म्यू की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगी। म्यू की वैल्यू तब जीरो नहीं होगी क्योंकि ये जो ग्रुप है वो इस वाले से ज्यादा पावरफुल है। सो देयरफॉर ग्रुप डिफरेंट होंगे तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगी। So therefore, this is the dipole moment in the case of the alkene, जो है वो cis और trans में कैसे exist करता है। And उसके बाद solubility आ जाती है, density आ जाती है। अब solubility क्या है? अगर हम alkene की बात करें तो alkene जो है usually non-polar। So this is the CH2, double bond CH2. ये नॉन पोलर है। अगर ये नॉन पोलर है तो इट कैन डिसॉल्व इन टू द वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि वाटर क्या होता है? पोलर। और ईथीन क्या है? नॉन पोलर। यू नो दैट पॉइंट इज लाइक डिसॉल्व लाइक। तो देयरफॉर दिस नॉन पोलर ईथीन विल नॉट डिसॉल्व इन टू द वाटर बिकॉज वाटर इज अ पोलर। और ये किसमें डिसॉल्व हो सकता है? CCl4 में एंड C6H6 में। ये जो है नॉन पोलर है।
अगर नॉन पोलर है तो ये उसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है, क्योंकि सी से फोर नॉन पोलर होता है, बेंजीन भी नॉन पोलर है, टॉलिन नॉन पोलर है, सो देयरफॉर दिस जितनी भी ईथेन है वो अगर नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होंगे, एंड वाटर जो है पोलर है उसके अंदर वो डिसॉल्व नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज अगला टॉपिक देखिए, व्हाट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. अगले टॉपिक का नाम है हाइड्रोजनेशन, टॉपिक का नाम है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्की. हाइड्रोजनेशन का रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्की. अब इसमें लेट्स सी कि हमारे पास ये अल्कीन है, इसके अंदर हमने हाइड्रोजन डाला निकल की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाता है कि यहाँ पे सी और इसके साथ भी कैच लग करता है. बट दिस रिएक्शन विल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. Similarly, if we have CH3CH and CH3, if we add hydrogen in the presence of nickel catalyst, we will get CH3, CH2, CH2 and CH3. Then second hydrogen यहाँ पे add हो जाता है. अब बात ये आती है कि इसका mechanism कैसे study करना है? How we can study that? तो व्हाट इज मैकेनिज्म है, यू नो दैट निकल है, निकल है एक कैटलिस्ट है, अगर कैटलिस्ट है तो सॉलिड होगा. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे निकल कैटलिस्ट है, ये मैंने इसकी शेड बना दी कि ये हमारे पास जो है दिस इज निकल जो है वो कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है. अगर ये कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट से की आपकी ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि कैटलिस्ट जो है वो एक ट्रांजिशन मेटल में आता है, ट्रांजिशन मेटल में आता है तो उसके डी ऑर्बिटल जो है वो यूजली वेकेंट होते हैं. तो इसके जो ट्रांजिशन मेटल के डी ऑर्बिटल है वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऑब्जॉर्व करेंगे. अगर मैं इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करूँ, हाइड्रोजन ऐड करने का मतलब है कि ये वाली जो हमारे पास कैटलिस्ट है, दिस वन इज द कैटलिस्ट हियर, तो H2 गैस जो है वो इसके अंदर जो उसकी कैटलिस्ट के अंदर जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती है, कैटलिस्ट के अंदर क्या होती है इंटरस्टिशियल साइट्स, वो उसके अंदर क्या हो जाएगी एडसॉर्ब, इट हाइड्रोजन गैट एडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट. जब वो अंदर जाके एडसॉर्ब हो जाएगी देन इट विल ब्रेक डाउन एंड सी ये दैट कि ये वाला जो हाइड्रोजन है दैट विल ब्रेक डाउन इन कैटलिस्ट एंड इट विल बी HH की फॉर्म में आ जाता है. अब बात क्या आती है कि पहले तो ये हाइड्रोजन और कैटलिस्ट आपस में रिएक्ट करते हैं, बाद में इसकी बारी आती है जो जाए इसकी जिसकी डिस्कशन करते हैं. अब बात आ जाती है कि अब हमने इसकी अंदर किसकी एडिशन की है, अल्कीन. अब जब इसके अंदर अल्कीन ऐड करेंगे तो क्या होगा कि ये वाला हमारे पास है कैटलिस्ट का सरफेस, ये कैटलिस्ट का सरफेस है और यहां पे हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है और ये वाला जो है अल्कीन, इसके ये पाई बॉन्ड, अल्कीन के ये एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड इस डी ऑर्बिटल के साथ इंट्रैक्ट करेंगे. तो देयरफॉर जब ये अल्कीन सी ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे सी सॉरी डबल बॉन्ड, तो इसके ये जो पाई बॉन्ड है ये इसके साथ जो है इंट्रैक्ट करेंगे, एंड जब उसके साथ इंट्रैक्ट करेंगे तो देन आफ्टर इट फॉर्म द बॉन्ड विद दिस हाइड्रोजन एंड वी विल गेट हियर कि ये वाली जो है कैटलिस्ट की सरफेस है, दिस वन इज द कैटलिस्ट इज हियर एंड हियर इज सी एंड हियर इज द हाइड्रोजन
बॉन्ड दो एसेट ही है और एक हाइड्रोजन यहां से आगे इसके साथ जुड़ेगा। एक्सिल वन इज हियर एंड आफ्टर दैट लास्ट में क्या होगा कि अगर इस तरह से है तो बाद में ये वाला हाइड्रोजन भी इसके साथ आके रेड कर देता है एंड वी विल गेट सी हियर इज सी हियर इज एच एंड हियर इज एच एंड साथ में जो ये कैटलिस्ट है निकल वो एच सच एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो है वो दोबारा से हमें मिल जाता है। सो दिस इज ए सॉर्ट ऑफ द डायग्राम डायग्रामेटिकली के कैटलिस्ट के अंदर कैटलिस्ट और हाइड्रोजन पहले आप उसमें रेड करते हैं। कैटलिस्ट एक ट्रांजिशन मेटल है जिसके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं वो हाइड्रोजन गैस को पहले एब्जॉर्ब करता है दिस एब्जॉर्ब वो अंदर जाके एब्जॉर्ब होकर डेटोन जाती है देन अनकाइंड ये ईथीन जो है इसके पाई बॉन्ड जो है इस निकल कैटलिस्ट के डी ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करेंगे देन इसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है एंड द कैटलिस्ट जो है वी विल गेट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन रिमेन एज सच क्योंकि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है विच कैन बी रिकवर एट द एंड ऑफ द रिएक्शन विदाउट डी कंज्यूमिंग सेल्फ सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैटलिस्ट सो दिस इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजनेशन एंड द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द डी। अब बात करती है कि ये जनरल डिस्कशन हम करते हैं इसको कि अल्कीन की रिलेटिव स्टेबिलिटी। अब हम रिलेटिव स्टेबिलिटी की डिस्कशन करेंगे कि रिलेटिव स्टेबिलिटी है किस तो व्हाट इज दैट यू नो दैट कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिस इज सिंपलेस्ट अल्कीन और ये सिंपलेस्ट अल्कीन सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। अगर ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है तो वो क्यों क्योंकि अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करके देखूं तो वो क्या बनती है हियर इज एच सी हियर इज एच क्योंकि कार्बन के इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे इस कार्बन के साथ लगे अक्रॉस द डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो लेस है कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं लगा जो उसको स्टेबलाइज करे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे मैं ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोफाइल और इसका ये वाला बॉन्ड है सिग्मा और ये कौन सा है पाई अगर ये पाई बॉन्ड इसको इंट्रैक्ट करे तो ये क्या बनाएगा एच हियर इज एच यहां पे एच यहां पे एच और ई इसके साथ जुड़ गया कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव को क्या कहते हैं हम कार्बोकेटायन तो उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है जो इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सके। लेकिन अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट अल्कीन की बात कर लेते हैं CH3, CH, and CH2 अब यहां पे एक यहां पे दो हाइड्रोजन थे मैंने दो हाइड्रोजन को उतार के यानी कि उसको ऐसे लिख दिया सी यहां पे CH2 ही है इसके साथ एक एच है और एक को मैंने मिथाइल में जोड़ दिया यानी कि से यहां पे दो हाइड्रोजन थे अब यहां पे एक हाइड्रोजन एक मिथाइल तो अगर हम इसको यहां पे इस तरह से लिख लेते हैं CH3 यहां पे एच है यहां पे CH2 है अगर मैं इस ई स्टैंड पर इलेक्ट्रोफाइल सबकी स्टेबिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं अगर ये इसके ऊपर अटैक है तो अब देखिए क्या बने CH3 यहां पे CH यहां पे एच है एंड हियर इज एच हियर इज एच और हियर इज ई कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव क्योंकि ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया तो पाई बॉन्ड करने से कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया पॉजिटिव। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो अब कार्बन को
इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, प्लस इफेक्ट। अगर यहाँ पे प्लस इफेक्ट है तो ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो फिनिश हो जाएगा टू द लिटिल एक्सटेंट। लेकिन इसके कंपैरिजन यहाँ पे तो हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं प्रेजेंट था। देन सी कार्बन कैटायन फ्रॉम दिस अल्कीन इज अनस्टेबल, और इसके बाद हमने एक मिथाइल लिया तो ये स्टेबल हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अगर मैं इस वाले को CH3 या फिर CH2 और इस वाले को ले लूंगा, अब मैंने क्या किया, ये दो हाइड्रोजन थे, पहले एक को मिथाइल ले लिया, दोनों मिथाइल ले लिया। अगर ये दोनों मिथाइल ले लिया तो CH3 यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या कह रहा है तो ये यहाँ पे क्या, तो हमारे पास ये क्या बन गया CH3, दिस इज द CH3 CH एंड हियर इज H, हियर इज H एंड हियर इज E, इस कार्बन को कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब देखो पहले यहां पे दो में एक एक हाइड्रोजन था एक में था, अब दो अल्काइल ग्रुप में, अगर दो अल्काइल ग्रुप में तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट यहां पे दो का होगा, therefore इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको फिनिश करने के लिए कितने ग्रुप लगे हैं, टू, तो therefore ये वाला कार्बन के टाइम जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा इस वजह से। अब बात आ जाती है कि इसके बाद हम इस वाले की बात करेंगे, CH3 यहाँ पे CH यहाँ पे CH3, अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे ना, मैंने एक यहाँ पे मिथाइल ले लिया एक हाइड्रोजन। अब अगर इसके अंदर यहाँ पे ई इलेक्ट्रोफाइल पैक करें, मैं इसके साथ स्टेप ले रहा हूँ, तो ये वाला ये पाई बॉन्ड जब इसको अप्रोच करेगा तो पाई बॉन्ड अप्रोच करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H है, ये ई लग गया तो कार्बन के ऊपर कौन से चार्ज है, पॉजिटिव। अब देखिए कि जब इसके ऊपर इसकी अटैक करने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो एक तो डोनेट करने वाला ये भी है और ये भी करेगा, अगर ये बेशक ये दूर है एक डबल एक कार्बन के दूसरी तरफ है लेकिन अफेक्ट ये भी शो करेगा, दैट मीन से कि इसके अंदर कार्बन का टाइम जो होनेगा उसकी स्टेबिलिटी और भी ज्यादा हो जाएगी। और इन लास्ट अगर यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 और इसके ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाते हैं, तो अगर ये अटैक करें इन दैट केस CH3 हियर इज CH3 एंड CH3 यहाँ पे CH3 और ये ई है एंड हियर इज पॉजिटिव, यहाँ पे इसका भी प्लस इफेक्ट है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, एंड फाइनली दिस अल्केन इज हाईली स्टेबल। और अगर ये स्टेबल है दैट मीन से हम जो टॉपिक पहले चल रहा था रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, तो सबसे ज्यादा अल्कीन स्टेबल कौन सी है, दिस वन, जिसकी अक्रॉस द डबल बॉन्ड मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन है। Let's see, I will write at the top of this. अभी यहां पे देखें ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर ये मिथाइल है ये भी मिथाइल है, आई विल राइट हियर R2 और यहां पे R2, ये R कौन सी चीज है, ये अल्काइल ग्रुप, कितने अल्काइल ग्रुप है, 2, यहां पे R2, यहां पे अल्काइल ग्रुप कितने हैं, 2, तो यहां पे that would say this alkene is more stable than that of here is R2C and double bond CHR, वो कौन सी है, यहां पे देखें कार्बन 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 डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां पे कितने अल्काइल लगे हैं, 2, तो यहां पे R2 और यहां पे एक अल्काइल लगा है तो मैंने एक ही लगा। अभी यहां पे देखें दो आ रहा है, यहां पे इसकी डिस्कशन कर रहा था।
यहाँ पे दोनों मिथाइल है, यहाँ पे मैंने लिख दिया आर टू सी, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एक मिथाइल है, तो ये एक आर लिख दिया मैंने और यहाँ पे सी एच, उसके बाद इसकी बनी आएगी, तो इट इज द आर टू सी डबल वन सी एच टू, जैसे भी आर कितनी है टू, ये सी, यहाँ पे सी एच टू, उसके पहले वाले मैंने रब कर दिए थे, एंड आफ्टर दैट ये लिख दी आर सी एच डबल वन सी एच टू एंड ये लिख सी एच टू डबल वन सी एच टू, दैट वुड सी कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो ये वाली रूटीन है जिसके अक्रॉस भी डबल बॉन्ड मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन होती है, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल जो है वो ये है सी एच टू डबल सी एच टू, दैट वुड सी दिस इज द हाईली अनस्टेबल, बिकॉज जब कार्बन अगर इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करे तो कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई भी सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट नहीं है, सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, सो आउट ऑफ दीस डिफरेंट अल्कीन दिस इज द मोस्ट स्टेबल एंड दिस इज द लीस्ट स्टेबल, और ये सबसे ज्यादा एक्टिव है और ये सबसे कम ज्यादा है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस रिलेटिव स्टेबिलिटी, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का लेते हैं केमिकल रिएक्शंस, सो व्हाट इज द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन, असल में यहां पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि अल्कीन जो है क्या वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है, तो सबसे पहले तो हमारी ये जो हमारी दुविधा है हमें दूर करनी है कि अल्कीन कौन सी रिएक्शन शो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो लेट्स सी अगर हमारे पास ये अल्कीन है और यहां पे मैंने इसकी दो रिएक्शन लिख लेता हूं, लेट्स सी ए इट इज लाइक दिस वे, ये दो रिएक्शन शो कर रही है, अगर ये अल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करे दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि अगर मैं इसके अंदर H और Y, एच वाई एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक्स वाई कह लें या एच वाई कह लें, लेट सी ये लेना एक्स वाई, एक्स एंड वाई, एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वाई के ऊपर नेगेटिव, तो होगा क्या कि यहां पे अगर H लगा है, हियर इज H, हियर इज H, हियर इज H, दिस इज अल्कीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि ये वाला जो पाई बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड है ये यहाँ पे ब्रेक कर जाए और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, एच के ऊपर पॉजिटिव, अगर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो एक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, तो ये क्या बनाएगा एच, हियर इज H is here, here is H and इसके साथ कौन हो गया X, और H के ऊपर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव और यहाँ पे Y है, then we say साथ में क्या बनेगा H Y, this is called electrophilic substitution reaction, अब बात आ जाती है कि electrophilic addition reaction, electrophilic एडिशन, अब जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास यहां पे एच, यहां पे कार्बन, यहां पे एच है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब है किसी चीज को एड अप करना, तो यहां पे अगर अगर ये एक्स वाई है
तो ये वाला पाई बॉन्ड पहले ब्रेक करेगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके इस एक्स को अप्रोच करेगा, तो देयरफॉर दैट विल से कि ये कार्बन से ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे ये इस कार्बन के साथ, अब ये वाली जो कार्बन है ये वाली, इसके साथ ये कार्बन कार्बन यहाँ पे एच है, ये एच है, इस कार्बन के साथ आके एक्स लग गया और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो इधर से ब्रेक कर गया। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो वाई के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। और सेकेंड स्टेप में अगर यहाँ पे वाई है तो उसके ऊपर डायरेक्ट है तो इट विल बिकम एच, हियर इज एच, यहाँ भी एच, हियर इज एच, हियर इज एक्स एंड हियर इज वाई, तो ये वाला प्रोडक्ट। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे एक कंक्लूजन आ जाता है कि अगर सब्स्टिट्यूशन होती है, अगर सब्स्टिट्यूशन होती है तो यहां पर देखें सब्स्टिट्यूशन में कि ये वाला एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करता है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करता है, जैसे मैंने पहले इसमें ब्रेक किया था, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करता है तो न्यू सिग्मा बॉन्ड एक बनता है। दैट मींस देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, कि एक ही सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक किया और उसके बाद यहां पे एच को ब्रेक किया और यहां पे एक्स लग गया। दैट मींस वन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड जो है ब्रेक करेगा फिर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, दैट इज नॉट एनर्जेटिकली फेवरेबल। बट अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करें तो यहां भी एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। अगर पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो पाई बॉन्ड ब्रेक करने से यहां पे देखिए इस कार्बन कार्बन के बीच में ये पाई बॉन्ड था, अब पाई बॉन्ड बन गया, ब्रेक कर गया और ये हमारे पास टू सिग्मा बॉन्ड जो है वो बने। कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक करने से दो सिग्मा बन रहे हैं, तो यू नो दैट सिग्मा बॉन्ड जो है दैट इज द स्टेबल, उसकी एनर्जी कम होती है। अगर एक पाई बॉन्ड ब्रेक करने से दो सिग्मा बन रहे हैं सो दैट रिएक्शन इज एनर्जेटिकली फेवरेबल, दैट इज कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है एंड मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो जाएगा। सो देयरफॉर वी प्रेफर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन द अल्केन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम प्रेफर नहीं करेंगे, हम किसको प्रेफर करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज इन द इलेक्ट्रोफिल इन दिस अल्केन वन ऑफ द पाई बॉन्ड विल ब्रेक एंड द टू सिग्मा बॉन्ड विल फॉर्म एंड दैट रिएक्शन इज एनर्जेटिकली फेवरेबल। एंड बट इन दिस केस वन सिग्मा बॉन्ड इज ब्रेक एंड वन न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, देयर इज नो चेंज इन एनर्जी and that's why this is not energetically favorable. So this is the chemical reaction of alkene. अगर हम chemical reaction of alkene पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो reaction आ जाती है that is the addition of halogen. सबसे पहली reaction है addition of halogen to alkene, सबसे पहली रिएक्शन है। तो लेट्स सी कि अगर ये है, अगर हमारे पास यहां पे ethene है, इसके अंदर हम bromine डाल दें in the presence of CCl4, so we will get CH2, CH2, this is Br, this is Br. It is called here 1,2-dibromoethane. It is the 1,2-dibromoethane. अगर इसके अंदर है, अब हम इसका mechanism करेंगे कि ये एग्जैक्टली मैकेनिज्म एडिशन कैसे हो रही है। तो
ये मैकेनिज्म है, ये सी एच टू, यहां पर सी एच टू, इस एल्कीन को मैंने ऐसे लिख लिया, ये एल्कीन को मैंने इस तरह से लिख लिया टेढ़ा करके इस तरह से, और ये ब्रोमीन है और ये ब्रोमीन है, दिस इज ब्रोमीन। यू नो दैट कि अगर ये इसका सिग्मा बॉन्ड है और ये क्या है पाई, और अगर ये पाई बॉन्ड है तो आप इस स्ट्रक्चर को इमेजिन करके देखें कि ये सी एच टू और ये सी एच टू, ये सिग्मा बॉन्ड है और जो पाई बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रोडेंसिटी क्राउड ऐसे इसकी बॉन्डिंग हो रही है, ऐसे इलेक्ट्रोडेंसिटी इज रिवॉल्विंग अराउंड द सिग्मा बॉन्ड, इस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड ये पाई इलेक्ट्रोडेंसिटी इस तरह से रिवॉल्व कर रही है। अगर ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोडेंसिटी इस कार्बन के अराउंड ओवरलैप कर रिवॉल्व कर रही है जिसके साथ बॉन्ड लगा हुआ है, अगर इस तरह से है ये इलेक्ट्रोडेंसिटी, तो दैट वुड से कि दिस इज नेगेटिवली चार्ज क्राउड, दिस पाई बॉन्ड इज नेगेटिवली चार्ज क्राउड, और ये ब्रोमीन, जो ब्रोमीन है, अब ये ब्रोमीन क्या है कि ये ब्रोमीन भी एक नॉन पोलर है, अब ये तो सिग्मा पाई बॉन्ड है तो उसकी इलेक्ट्रोडेंसिटी उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ये ब्रोमीन जब उसके साथ इस तरह से अप्रोच करेगा, ये दोनों आपस में जब पास आएंगे, जब ये दोनों पास आएंगे तो ये क्या होगा कि उसको हम इंड्यूस पोलराइजेशन कहते हैं, कि ये अगर ये ब्रोमीन दोनों सेम एटम से ये ब्रोमीन इसके पास आएगा तो ये ब्रोमीन को ये रिवॉल्व बैक करके इधर देगा, दैट मींस से क्या अगर ये वाला ब्रोमीन अगर उधर चला जाता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मिलेगा पार्शियल, और इसके ऊपर कौन सा होगा पार्शियल पॉजिटिव, दैट मींस से एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पोलराइजेशन आ जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं इंड्यूस पोलराइजेशन। सो पहले ये कार्बन, ये सिग्मा, ये पाई है, इसके अंदर इलेक्ट्रोडेंसिटी बोल कर दिया, ये ब्रोमीन इसके पास गया, पास जाने से तो इस ये जो है ये ब्रोमीन पहले इधर था, ये ब्रोमीन उस तरफ था, तो इसके पास जाने से इसने उसको रिपेल कर दिया, जिसको रिपेल कर दिया इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव। नेगेटिव को क्यों रिपेल किया, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है जो वो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव, और इसकी इलेक्ट्रोडेंसिटी जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोडेंसिटी है इस वाले को रिपेल कर देगी, जिसको रिपेल करेंगे वो नेगेटिव, जिसके ऊपर जिसको अट्रैक्ट कर लिया वो पॉजिटिव, दैट मींस ब्रोमीन के ऊपर चार्ज आएगा, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन इन दिस पोलराइजेशन। अब अगर इसके ऊपर चार्ज आएगा देन ये वाला पाई बॉन्ड इसके ऊपर इस तरह से अटैक करेगा और ये वाला ब्रोमीन यहां से ब्रेक कर देगा, तो देयरफॉर After that, this is the CH2, this is the CH2, इसमें ये सिग्मा था, ये पाई को ब्रेक कर गया, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया पॉजिटिव, ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ जुड़ गई, तो यहां पर ये ब्रोमीन इसके साथ जुड़ गई और साथ में क्या है Br नेगेटिव। अब बात आएगी कि जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ब्रोमीन जो है उसके ऊपर यहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ये तो वो लोन पेयर इमीडिएटली इसके ऊपर अटैक करेंगे, तो देयरफॉर इट विल फॉर्म CH2 यहां पे Br और ये, जब ये इसके ऊपर अटैक करेंगे तो ब्रोमीन ने अपने लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर दिए, फिर ब्रोमीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं साइक्लिक हैलोनियम आयन, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। हैलोनियम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हैलोजन है, अगर पर्टिकुलर नाम देना तो दैट इज ब्रोमोनियम, साइक्लिक का मतलब हो गया कि ये क्लोज बन गई, ये क्लोज नहीं होगी, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। आफ्टर दैट क्या होगा कि ये जो ब्रोमीन है हम इसकी एडिशन दोबारा से करेंगे, बाय द वे ये ब्रोमीन ने इसकी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर दिए, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया, फिर अगर ये ब्रोमीन अपनी इलेक्ट्रॉन की दोबारा से प्रतिक्रिया कर लेता है ये इस तरफ से, तो इस कार्बन के ऊपर
सा आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये ब्रोमीन यहां पे आ गया, तो देयरफॉर वी विल गेट CH2Br और यहां पे CH2Br। लेकिन इसमें से कोई सिक्स क्लास नहीं है, ये प्रोडक्ट जो है और ये प्रोडक्ट दोनों सेम है, जिसका नाम क्या है 1,1,2-dibromoethane। सो दिस इज 1,2-dibromoethane। सो दिस इज द जनरल मैकेनिज्म दैट हाउ दिस ईथीन एंड दिस ब्रोमीन इज गोइंग टू रिएक्ट, और अगर ये रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट हो जाता है 1,2-dibromoethane। लेकिन बात आ जाती है इसके अंदर हम ये मेंशन नहीं कर सकते कि ये ब्रोमीन ये इस तरफ है ये इस तरफ है तो ये कुछ सिक्स क्लास में आता है, नो दिया नाम है सिक्स क्लास, क्योंकि सिक्स क्लास तो तब आता है अगर एक कार्बन कार्बन क्रॉस है डबल बॉन्ड हो, लेकिन यहां पर सिंगल है, अगर सिंगल है तो देन वी कैन नॉट से दैट दिस इज सिक्स और ट्रांस। तो इन ऑर्डर टू स्टडी द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस वी विल स्टडी ए न्यू रिएक्शन। अगर हमने बल्कि इसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अंदर अगर हमने पढ़नी है स्टीरियोकेमिस्ट्री को कैसे, लेट्स सी स्टीरियोकेमिस्ट्री वो कैसे, लेट्स सी कि अगर हमारे पास ये है हेक्सीन, इसके अंदर हम ब्रोमीन डालें तो टू पॉसिबिलिटी इज देयर, दिस इज Br, हियर इज H, दिस इज Br एंड दिस इज H। इसको हम कह सकते हैं कि ये ट्रांस प्रोडक्ट है, दिस इज द ट्रांस, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये दोनों Br सेम साइड पे लग जाए तो देयर इज कॉल्ड सिस। यूजली कार्बन कार्बन में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सिस ट्रांस नहीं होता, लेकिन यहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तभी हम इसको सिस ट्रांस के फॉर्म में ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहां पे एक रिंग प्रेजेंट है, और एक रिंग प्रेजेंट का मतलब है कि ये ब्रोमीन जो है ये ब्रोमीन इस रिंग के अबव है और ये ब्रोमीन इस रिंग के बिलो है। अगर ये ब्रोमीन अबव है और ये बिलो है देन वी कैन से दैट द बोथ ब्रोमीन एटम आर एट द डिफरेंट प्लेन, देन इट इज द ट्रांस। यहां पे ये दोनों ब्रोमीन जो है वो अबव द प्लेन है, अगर ये दोनों अबव द प्लेन है और ये दोनों हर जब बिलो द प्लेन है देन इट इज कॉल्ड एज सिस। सो दिस इज द कॉल्ड हियर सिस इज हियर एंड दिस इज द ट्रांस। लेकिन ये बन कैसे जाते हैं और उसकी डिस्कशन दोबारा से आने की, तो लेट्स सी कि इसका मैकेनिज्म कैसे है। अगर हमारे पास ये अल्कीन है और इसके साथ ये Br अप्रोच करे, सिमिलरली अगर इसको सोच लें कि ये एक सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके अराउंड इस तरह से होंगी, और जब ये ब्रोमीन इसके पास जाएगा तो पास जाने से अगर ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये इस नेगेटिव को रिपेल करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, दैट विल से कि ये इसके अंदर पोलराइजेशन आ जाएगी, ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा, जब इसके ऊपर पाई बॉन्ड अटैक करेगा तो देयरफॉर वी विल गेट दिस वन, कि ये जो है इस तरह से बी या इसके साथ जुड़ गया एस एच, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन दो नहीं है, फिर इससे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव और साथ में बी आर लेफ्ट, दिस वन इज बी आर लेफ्ट। अब ब्रोमीन यहाँ पे ब्रोमीन के पास लोन पे है तो ब्रोमीन अपने लोन पे इसको इमीडिएटली दे देगी और therefore we will get here is the Br, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगी और ये H2 किधर है ही है,
इस ब्रोमीन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। इसको भी हम साइक्लिक ब्रोमोनियमाइड ही कहेंगे जो पिछले टॉपिक में आया था। अब जब इसके ऊपर यहां पे टू पॉसिबिलिटीज हैं, एक ब्रोमीन नेगेटिव ऐड करना है और एक ब्रोमीन नेगेटिव इधर ऐड करना है। अगर ये वाला सिग्मा, ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक कर जाए इस तरफ लाइटनेस की वजह से और ये ब्रोमीन नेगेटिव जो है अबव द प्लेन से अटैक करे, इट इज अबव द प्लेन, अगर ये ब्रोमीन नेगेटिव अबव द प्लेन से अटैक करते हैं तो फिर हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है? ये बी आर इधर है और ये भी बी आर इधर आ जाएगा और ये एच और ये एच। मुझे सही कि ये अबव द प्लेन से अटैक करेगा, ये बी आर तो पहले से अबव द प्लेन थी, ये इसने भी अबव द प्लेन से अटैक किया। दूसरी बात ये है अगर ये इस तरफ शिफ्ट करे और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये बी आर नेगेटिव जो है वो बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, अगर ये बिलो द प्लेन से अटैक करेगा तो therefore we will get here is Br, here is H and this is Br। तो अगर ये इसको हम क्या कहते हैं below the plane that is attack from below the plane, तो फिर अगर ये बिलो द प्लेन से अटैक करेगा तो एक बी आर अबव द प्लेन है दूसरा बिलो द प्लेन है, सो देयरफॉर देन इट इज कॉल्ड हियर ट्रांस, सो दिस इज कॉल्ड हियर ट्रांस एंड दिस इज कॉल्ड हियर सिस, सो दिस